नमस्कार, विद दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। गुजरात में हाई प्रोफाइल शराब पार्टी में पुलिस का छापा, चिरायु अमीन सहित कई दिग्गज हिरासत में। गुजरात के वडोदरा स्थित एक फार्म हाउस में चल रही शादी में हाई प्रोफाइल शराब पार्टी पर पुलिस ने देर रात छापेमारी की। छापेमारी में करीब 261 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें 134 महिलाएं हैं। पुलिस ने मौके से शराब की 11 पेटियां जब्त की हैं, जिनकी कीमत तकरीबन 2 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। उल्लेखनीय है कि गुजरात में शराब पर पूर्णतः प्रतिबंध है। पुलिस ने मौके से सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज भी जब्त कर लिए हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में रानका, गोराडिया, चिरायु अमीन जैसे गुजरात के कई बड़े उद्योगपतियों के नाम भी शामिल है। पुलिस ने इन सभी लोगों के ब्लड सैंपल लिए हैं और उसके बाद ज्यादातर को जमानत दे दी गई है। हालांकि पुलिस ने टेस्ट पॉजिटिव आने पर कार्रवाई किए जाने की बात कही है। शराब पार्टी में पकड़े गए चिरायु अमीन आईपीएल के पूर्व कमिश्नर और अलेम्बिक फार्मास्यूटिकल के मालिक हैं। मामला गुरुवार देर रात बड़ोदरा के भीमपुरा इलाके का है। पुलिस को यहां स्थित अखंड नामक एक आलिशान फार्म हाउस पर हाई प्रोफाइल पार्टी की सूचना मिली थी। पुलिस की अचानक कार्रवाई से वहां हड़कंप मच गया। वहां मौजूद लोगों ने अपने रसूख का प्रभाव दिखाते हुए पुलिस पर काफी दबाव बनाने की कोशिश की। पुलिस ने नशे में धुत चिरायु अमीन को मीडिया की नजरों से बचाकर एक जीप के अंदर सुला दिया। इस दौरान पुलिस ने फार्म हाउस के अंदर खड़ी सभी गाड़ियां भी जब्त कर ली। मौके से पुलिस को 10 पेटी विदेशी स्कॉच भी मिली है। पुलिस ने पकड़े गए सभी लोगों का ब्लड टेस्ट करवाने का फैसला किया है। गौरतलब है कि हाल ही में गुजरात सरकार की ओर से नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अधिसूचना जारी की गई है। हाल ही में रूपानी सरकार ने शराबबंदी को लेकर एक अध्यादेश जारी किया है, जिसके तहत शराबबंदी कानून को और सख्त किया गया है। नए प्रावधानों के तहत शराब परोसना और पीना दोनों के ही लिए 3 साल की सजा का प्रावधान है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। नोटबंदी के बाद आयकर विभाग ने अब तक 3,950 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता लगाया। परमाणु क्षमता बढ़ाने की डोनाल्ड ट्रंप की सलाह से विशेषज्ञ चिंतित। नुस्लीबाड़िया को टाटा मोटर्स के निदेशक पद से भी हटाया। पश्चिम बंगाल के धूलागढ़ में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, भाजपा ने भेजा प्रतिनिधिमंडल। इराक के मोसुल में कार बम हमले में 30 से ज्यादा लोगों की मौत। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.vivdunia.com। नमस्कार।